इन पुलिस अफसरान को किसी ने सजा नहीं दी न लाइन हाजिर किया है, बल्कि ये इसलिए वर्जिश करते नजर आ रहे हैं कि 30 जून तक तौन कम न करने की सूरत में थानेदारी जाती रहेगी। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने वाजे किया है कि 30 जून तक जिन एसएचओज ने अपनी कमर 38 इंच या इससे कम ना की उनको थानेदारी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। शहर के 82 में से 30 थाने ऐसे हैं जहां के थानेदार अपनी तौंद कम करने के लिए कमर कस चुके हैं। जिम जाने का वक्त ना मिले तो थाने में अपने कमरे में ही वर्जिश शुरू कर देते हैं। कोई पार्क पहुंच जाता है, और तो और डीएसपी भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा वजन और मोटी तौंद वाले इन पुलिस अफसरान का कहना है कि ड्यूटी बहुत ज्यादा है, वर्जिश के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, मोहलत बढ़ाई जाए। बंदे को स्मार्ट होना चाहिए। 38 कमर एक बड़ी अच्छी वेस्ट है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, एक मुनासिब है। 38-39 ये चल जाता है। तो जैसे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता सारा दिन, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी वाला होती है, इसमें साहब को ये भी चाहिए, रिक्वेस्ट है उनसे कि तमाम ऑफिसर्स के लिए टाइम ऐसा हो जिसमें वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। आजकल ज़्यादा एक्सरसाइज तो रोड पर होती है, तो इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं तो स्टार्ट इंशाल्लाह करते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह। जैसे आईजी साहब का हुक्म है, स्पोर्ट्समैन तो पहले भी थे, अभी मजीद डाइटिंग और एक्सरसाइज पे तवज्जो देना शुरू कर दिया है। लाहौर पुलिस में एक एसएचओ ऐसा भी है जो जिम्नास्टिक में नेशनल चैंपियन रह चुका है, लेकिन अब उसका वजन 100 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इतनी भारी जिसामत के बावजूद इंस्पेक्टर अब्दुल्ला जान ने दोबारा जिमनास्टिक के करतब दिखाना शुरू कर दिए हैं और 6 फुट ऊंचाई तक जंपिंग कर रहा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वर्कआउट वाला मसल मास है, तकरीबन 95-100 के दरमियान है, क्योंकि मैं रेगुलर वर्जिशी वजह से मैं वेट गेन किया है, वैसे वेट नहीं बना मेरा। अब्दुल्ला जान का वजन गो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आज भी किसी नौजवान से कम फुर्तीला और चाको चौबंद नहीं। लेकिन हाय रे ये तौंद, अब इसको तो कम करना ही पड़ेगा वरना कुर्सी जाती रहेगी। बड़ी तौंद वाले एसएचओ ने अपने थानेदारी बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कोई वर्जिश कर रहा है तो कोई जिमनास्टिक के करतब दिखा रहा है। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ जैनुल आबदीन, सिटी 42।